छत्तीसगढ़ शासन कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद में वित्तीय अनियमितता के चलते करोड़ों रुपयों की हेराफेरी और वित्तीय अनियमितता की गई है। वेंडरों को समय में राशि प्रदान नहीं करने के कारण बजट वितरण संबंधित जानकारी लेने पर आर्थिक गड़बड़ी का खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि बजट वितरण संबंधित कर्मचारी ने बिना प्रशासनिक स्वीकृति के करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, जो कि नियमतः किसी भी शासकीय राशि को स्थानांतरण करने से पहले स्वीकृति आदेश होना अति आवश्यक है और स्वास्थ्य विभाग बालोद के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्तीय नियमों को कड़ाई से पालन करने के बार बार निर्देशित करते रहते हैं, पर नियमों का पालन करना तो दूर, नियमों का धज्जियां उड़ाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने नवा छत्तीसगढ़ का निर्माण करने हेतु बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं और प्रगति पर है। वहीं बालोद जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने करोड़ों रुपए की बजट का हेराफेरी कर छत्तीसगढ़ के विकास की नाव में छेद कर रहे हैं। ज्ञात हुआ है कि यहाँ का कर्मचारी जो है बिना प्रशासकीय स्वीकृति के बजट जो है BMOs को ट्रांसफर कर रहे हैं। चूँकि संज्ञान में आया है तो इसकी जांच करवाई जा रही है। यदि जांच में यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जाएगा तो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है, उसके अनुसार जो है उच्च अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित किया जाएगा। कर्मचारी के नियुक्तिकर्ता संयुक्त संचालक होते हैं और वही अधिकृत हैं, इसलिए जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए चाहे वो 420 का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं दुर्ग संभाग को प्रेषित किया जाएगा। खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट।